Hello friends, after the completion of morphology of flowering plants, now we are starting cell the unit of life. Cell the unit of life. In this present chapter, cell, the unit of life. At the beginning of the chapter, you can see some of the contributions of the scientist. What is meant by reductionist biology? What is meant by reductionist biology? रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी किसको बोलेंगे? फर्स्ट डेफिनेशन है यहाँ पर. बिफोर बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर आप पढ़ सकते हैं साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन. देयर यू विल फाइंड दिस वर्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी. सो व्हाट इज दिस? यूज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. यूज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री for understanding cell. देखिए cell अगर आपको understand करना है तो first you have to see the cell, and for observing the cell you require microscope. अब microscope के लिए क्या चाहिए आपको? lens चाहिए, light चाहिए. so physics के laws applicable हैं. एंड इवन मतलब यहाँ पे फिजिक्स क्यों बोला मैं? यूज ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री. यस, फिजिक्स इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज वी आर यूजिंग माइक्रोस्कोप एंड माइक्रोस्कोप वर्क ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स. एंड केमिस्ट्री भी यूज किया जाएगा यहाँ पर. केमिस्ट्री फॉर स्टेनिंग द सेल, फॉर कलरिंग द सेल, टू डिटेक्ट द केमिकल्स ऑफ द लाइफ. Cell is having various chemicals, उसको समझने के लिए chemistry भी. तो ये है reductionist biology. After this, Madras School of Conformational Analysis of Biomolecules. Of biopolymers, biopolymer life cell के अंदर जितने polymers हैं, जैसे cell के अंदर carbohydrate है, protein है, nucleic acids हैं, these are all biopolymers. So Madras School of Conformational Analysis of Biopolymer. What is the main purpose? What kind of research is going on in this organization? Madras School में प्रोटीन के स्ट्रक्चर, कार्बोहाइड्रेट के स्ट्रक्चर, डीएनए के स्ट्रक्चर, आरएनए के स्ट्रक्चर की स्टडी होती है. और इसके फाउंडर, इट्स फाउंडर कौन है? रामचंद्रन.
ये याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मनचंद्रन, दो पॉइंट हो गए। देखिए तीसरा पॉइंट याद रखेंगे हम, रामचंद्रन इज फेमस फॉर ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ कोलेजन। रामचंद्रन इज फेमस फॉर ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ कोलेजन। मतलब कोलेजन एक प्रोटीन है, कोलेजन एक प्रोटीन है, और कोलेजन की स्टडी करने के लिए, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेजन, ही यूज डिफरेंट टेक्निक्स ऑफ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। कोलेजन क्या है? एक प्रोटीन है, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन बोल सकते हैं। यू कैन राइट व्हाट इज कोलेजन। कोलेजन इज मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन होता है। ओके, मोस्ट अबंडेंट एनिमल प्रोटीन है कोलेजन। एंड रामचंद्रन यूजेस, रामचंद्रन प्लॉट, व्हाट इज मीन बाय रामचंद्रन प्लॉट। रामचंद्रन प्लॉट इज द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ रामचंद्रन, and this is used for conformation of protein structure, conformational study of protein structure, protein structure की study करने के लिए रामचंद्रन plot use करते हैं। रामचंद्रन plot एक major discovery है रामचंद्रन के। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बिफोर बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में याद रखते रहिए आप, साइंटिस्ट के नेम आएंगे और एग्जाम में साइंटिस्ट के नेम पूछे जा सकते हैं। इवन यहां पर ये चैप्टर में जो ईयर्स आएंगे वो ईयर्स भी पूछे जा सकते हैं। सो देयर आर मेनी साइंटिस्ट नेम हियर इन दिस चैप्टर। And basically in this chapter we are going to discuss about three cells. Bacterial cell पढ़ेंगे हम, plant cell पढ़ेंगे, animal cell पढ़ेंगे। So next contribution is from Anton von Leeuwenhoek. Microscope. पहला living cell आप बोलेंगे Robert Hooke। रॉबर्ट हुक ने सेल डिस्कवर किया था, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे। रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल। ओके, एंटन वन लीवनहॉक जो है लाइव सेल, लिविंग सेल को देखते हैं सबसे पहले, लिविंग सेल को देखते हैं। लेकिन रॉबर्ट हुक क्या करते हैं? डिस्कवर्ड सेल इन डेड सेल्स ऑफ In dead cells of onion cork बोल सकते हैं, cork मतलब layer। Okay, he observed dead cell, Robert Hooke। दो अलग अलग क्वेश्चन है, who discovered cell? Robert Hooke। Who discovered living cell first time under microscope? Anton von Leeuwenhoek। Live cell देखने वाला Anton von Leeuwenhoek। And Robert Hooke authored a book also। रॉबर्ट हुक ऑथर्ड ए बुक माइक्रोग्राफिया। माइक्रोग्राफिया करके बुक है। ओके, रॉबर्ट हुक ऑथर्ड ए बुक माइक्रोग्राफिया इन विच ही यूज द फर्स्ट टाइम द वर्ड सेल। ही यूज द टर्म सेल, यूज द टर्म सेल। सेल का मतलब क्या होता है? सेल मींस कंपार्टमेंट, स्मॉल रूम। द वर्ड सेल कम फ्रॉम सेलुला। सेल वर्ड डिराइव फ्रॉम सेलुला, विच मींस कंपार्टमेंट।
कंपार्टमेंट बोलो, स्मॉल रूम बोलो, सेल वर डिराइव्ड फ्रॉम सेलुला विच मींस, क्या मतलब उसका, कंपार्टमेंट ए स्मॉल रूम लाइक दैट. हू डिस्क्राइब फर्स्ट लिविंग सेल, एंटन वन लिवन हॉ. Or Robert Hooke discovered cell, Robert Hooke coined the term cell, Robert Hooke authored the book Micrographia. Lekin credit for discovering the live cell for the first time goes to Anton van Leeuwenhoek. What is mean by unicellular organism? There are some organisms which are made up of single cell. Unicellular organism. Unicellular organism perform independent existence. Independent existence. एक ही cell है amoeba, say for example. Amoeba is single cell, but it is having independent existence. Amoeba can live independently, and unicellular organism perform all activities of life. Activities of life. Life के लिए क्या-क्या जरूरी है? Respiration करना है, digestion करना है, excretion करना है, growth करना है, reproduction करना है. Everything is going on in a single cell. Say for example, amoeba. ठीक है, एक सेल के अंदर सारे एक्टिविटीज. एनीथिंग लेस देन ए सेल, एनीथिंग लेस देन ए सेल कैनॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. मतलब ये हुआ, कोई भी चीज हो अगर सेल से कम है, सेल से कम है तो वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रख सकती. एनीथिंग विच इज मेड ऑफ सेल कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. फॉर एग्जाम्पल, अमोएबा इज हैविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. वायरस इज लेस देन ए सेल, वायरस में सेल नहीं है. दैट्स व्हाई वायरसेस कैन नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस. Viruses survive only within the living host tissues. Viruses कहाँ survive हो रहे हैं? Only within the living host tissues में रह रहे हैं. चलो ये एक हो गया, बात समझ में आ गई. Next है smallest cell की अगर मैं बात कर रहा हूँ. Smallest cell है mycoplasma. लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच एग. और लॉन्गेस्ट सेल की अगर मैं बात करूं, लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल. नर्व सेल है, देखिए लॉन्गेस्ट सेल. अब यहां पर जो है सेल थ्योरी बोल के हेडिंग आ रही है, सेल थ्योरी. यहां पर दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट आ रहे हैं, मैथियस शिल्डिंग एंड थियोडोर स्वान. मैथियस शिल्डिंग एंड थियोडोर स्वान, they propose cell theory. Theodor Swan propose cell theory. Okay, who propose cell theory बोलते क्या बोलेंगे? Matthias Schilding and Theodor Swan. याद रखेंगे Matthias Schilding 1838 के हैं और Swan जो है 1839 का contribution है इनका. Matthias Schilding और Theodor Swan. तो शिल्डिंग जो है जर्मन बॉटनिस्ट हैं एंड ही डिस्कवर्ड प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स. मैथियस शिल्डिंग क्या है बोलो,
जर्मन बोटानिस्ट हैं, जर्मन बोटानिस्ट हैं, एंड ही डिस्कवर्ड दैट प्लांट्स आर मेड ऑफ सेल्स, प्लांट्स मेड ऑफ प्लांट टिश्यूज मेड ऑफ सेल्स. मतलब मैथियस जो है बॉटनिस्ट है और ये बॉटनी में रिसर्च करते हैं. He observed that all plants are made up of tissues, tissues are made up of cells. इसके बाद ठीक बाद में 1839 के बाद 1838 के बाद immediately 1839 में Theodore Swan British zoologist है. Theodore Swan क्या है? British zoologist है. Theodore Swan 1839 में ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है एंड ही डिस्क्राइब दैट ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल एनिमल्स आर मेड ऑफ सेल्स. ये कंट्रीब्यूशन इनका. दूसरा कंट्रीब्यूशन आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. आउटर मोस्ट यानी तो डीलिमिटिंग मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल क्या है? ऑफ एनिमल सेल इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन. थियोडोर स्वान का कंट्रीब्यूशन बता रहा हूं. ब्रिटिश जूलॉजिस्ट हैं और इनके हिसाब से ऑल एनिमल्स मेड ऑफ सेल्स, और इनके हिसाब से जो आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन होता है एनिमल सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है. एंड अकॉर्डिंग टू हिम ओनली थियोडोर स्वान के हिसाब से ही आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन ऑफ प्लांट सेल, प्लांट सेल सेल वॉल होता है. देखिए ये क्वेश्चन खास करके पूछता है लास्ट पॉइंट. Who discovered that outermost layer of the plant cell is cell wall? तो बच्चे बोलेंगे शील्डिंग या स्वान. कई बच्चे ऐसा सोचेंगे ना शील्डिंग मतलब botanist इसने सेल वॉल वो डिस्कवर किया. गलत है. शील्डिंग ने बताया था, जर्मन botanist ने क्या बताया था? All plants are made up of cells. स्वान क्या बता रहा है? All animals made up of cell. और एनिमल सेल की आउटरमोस्ट बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लांट सेल की आउटरमोस्ट बाउंड्री सेल वॉल है. दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ थियोडोर स्वान. ठीक है. सो टूगेदर शील्डिंग एंड स्वान प्रपोज सेल थ्योरी. टूगेदर शील्डिंग और स्वान ने मिलकर सेल थ्योरी प्रपोज किया. प्रपोज सेल थ्योरी. ओके सेल थ्योरी विच इज लेटर ऑन मॉडिफाइड बाई बाद में मॉडिफाई भी किया गया सेल थ्योरी को. मॉडिफाइड बाई रुडॉल्फ वर्चो 1855. Rudolph Virchow. And he said, Omnicellula. Omnicellula बोल के बताए. तो शील्डिंग और स्वान दोनों मिलकर सेल थ्योरी दिए और बाद में जो है मॉडिफाई की गई सेल थ्योरी. सेल थ्योरी इज मॉडिफाइड बाय द साइंटिस्ट रुडॉल्फ वर्चो. और रुडॉल्फ वर्चो अपने लैंग्वेज में बोलते थे ओमनिसेलुलाए सेलुला, विच मींस न्यू सेल कम्स फ्रॉम द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल. Division of pre-existing cells.
मतलब ओमनी सेलुला, या सेलुला का मतलब है न्यू सेल्स जो है, सपोज ये टू न्यू सेल्स हैं, अब ये टू न्यू सेल कैसे बने, ओल्ड सेल के सेल डिवीजन से बने, अगेन दिस टू न्यू सेल डिवाइड अगेन फॉर्म न्यू सेल्स, तो हमेशा न्यू सेल कैसे बन रहे हैं, बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल, दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ रुडॉल्फ वर्चो। तो अब तक कितने साइंटिस्ट के बारे में आ गया, देखिए रामचंद्रन के बारे में सबसे पहले पढ़े, रामचंद्रन का मेन कंट्रीब्यूशन है कोलाजन, ट्रिपल हेलिक्स मॉडल ऑफ कोलाजन, एंड रामचंद्रन प्लॉट के बारे में याद रखिए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रामचंद्रन प्लॉट, रामचंद्रन प्लॉट इज यूज फॉर स्टडिंग कन्फॉर्मेशनल प्रोटीन स्ट्रक्चर, मतलब कन्फॉर्मेशन मतलब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर, प्रोटीन कैन हैव हाउ मेनी स्ट्रक्चर्स, all that can be studied by using Ramachandran plot. उसके बाद Anton van Leeuwenhoek, Robert Hooke, Sheldon, Swan, Rudolf Virchow, scientists के नाम आते जा रहे हैं, उनके contributions आ रहे हैं. Now what are the postulates of cell theory? Cell theory के points क्या हैं? Cell theory क्या है? What are the statements of cell theory? Number one point, cell theory ka. All living organisms made of cell. All living organisms made of cells. Sare organisms cell se bane hue hain. Aur dusra statement kya hai? New cell come from pre-existing cells. New cells come from pre-existing cells. पहले से सेल होता है, फर्स्ट सेल होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल दैट डिवाइड एंड फॉर्म न्यू सेल अकॉर्डिंग टू सेल थ्योरी। ओके, तो ये था कंट्रीब्यूशन इनका। ओके, हु मॉडिफाइड सेल थ्योरी को तो क्या बोलेंगे आप? रुडॉल्फ वर्चो। व्हाट इज अ टिपिकल सेल फॉर प्लांट सेल स्टडी? टिपिकल प्लांट सेल, अगर प्लांट सेल की स्टडी करना है तो आप यूज कर सकते हैं ऑनियन पील सेल्स, ऑनियन पील सेल्स, ऑनियन का जब कॉर्क निकालते हैं डेड लेयर पेपर लाइक, उसके बाद फर्स्ट कवर निकालेंगे, फर्स्ट लेयर निकालेंगे ऑनियन की, तो इनर साइड ऑफ द ऑनियन में एक थिन मेम्ब्रेन होता है, वो थिन मेम्ब्रेन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन अगर निकाल के माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो यू कैन सी द प्लांट सेल, ऑनियन पील सेल होते हैं। सेम अगर आपको एनिमल सेल की स्टडी करना है, टिपिकल एनिमल सेल, तो एनिमल सेल के लिए तो बहुत सारे एग्जांपल हैं, लेकिन टिपिकल सेल की बात कर रहा हूं मैं, ह्यूमन चिक सेल्स हैं, ह्यूमन चिक सेल्स, आपके नेल से ना ये जस्ट यहाँ पे चिक्स पे से थोड़ा सा करके माइक्रोस्कोप में देखेंगे ना तो बहुत सारे सेल्स दिखेंगे अंदर, ठीक है, ये टिपिकल एनिमल सेल है, टिपिकल प्लांट सेल है, ठीक है। नाउ व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, सेल के अंदर आपको एक कॉमन चीज मिलेगी चाहे प्लांट सेल हो एनिमल हो, दैट इज साइटोप्लाज्म, कॉमन है। व्हाट इज साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म इज मेन अरेना ऑफ सेलुलर एक्टिविटीज, चाहे प्लांट सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, एनिमल सेल हो, in all cell what is the main area of cellular activities, where cellular activities occur? In cytoplasm. Then ek membrane bound cell organelle hota hai cell ke andar, membrane bound cell organelle inside the cell kya hai? Nucleus hai. न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या है बोले तो क्या बोलेंगे आप? न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम, न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर होता है, ह्यूमन में 46 क्रोमोसोम होते हैं, ऑनियन में 16 क्रोमोसोम होते हैं, एग्जांपल ह्यूमन सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम है,
ऑनियन में 16 क्रोमोसोम है, पी प्लांट में 14 क्रोमोसोम है. सो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव डिफरेंट क्रोमोसोम नंबर. क्रोमोसोम नंबर इज स्पेसिफिक फॉर ईच स्पीशीज. सेकेंड ईयर में आएगा फिर एक बार ये, वहां पे एक लिस्ट है वो पूरा याद रखें. न्यूक्लियस कंटेन क्रोमोसोम बोलेंगे. फिर क्रोमोसोम कंटेन व्हाट? क्रोमोसोम्स कंटेन डीएनए, कंटेन जेनेटिक मटेरियल. व्हाट इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स? डीएनए. डीएनए तो मैं ये बताया आपको, चाहे प्लांट सेल हो या एनिमल सेल हो, कंपल्सरी साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के अंदर डीएनए है, एंड डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल. ठीक है. नाउ व्हाट इज मीन बाय प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल? प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब क्या होगा? आप चलिए प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में थोड़ा सा बेसिक जान लेंगे. प्रोकैरियोटिक सेल का मतलब है नो न्यूक्लियर एनवलप, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है इनके पास, नो न्यूक्लियर एनवलप. तो इनका जो डीएनए होगा नेकेड होगा, डीएनए इज नेकेड बोलना चाहिए. और इनका डीएनए सर्कुलर डीएनए होता है, सर्कुलर डीएनए विदाउट हिस्टोन प्रोटीन. तो आई एम टेलिंग यू ऑल द बेसिक पॉइंट्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल. प्रोकैरियोटिक सेल मतलब ऐसा सेल जिसमें न्यूक्लियर एनवलप नहीं होता, देयर इज नो न्यूक्लियर बाउंड्री. इफ देयर इज नो न्यूक्लियर बाउंड्री, इसका मतलब डीएनए क्या हो जाएगा? नेकेड हो जाएगा, नॉट कवर्ड बाय न्यूक्लियर बाउंड्री, नेकेड हो जाएगा. और इनके पास सर्कुलर डीएनए होगा. प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए होता है लेकिन उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन. ठीक है. थोड़ा सा यहां पे स्ट्रक्चर देख लेंगे हम प्रोकैरियोटिक सेल का. तो प्रोकैरियोटिक सेल में कुछ ऐसे होता है, देखिए सर्कुलर डीएनए, इट इज नॉट बॉन्डेड बाय एनी न्यूक्लियर एनवलप. सर्कुलर डीएनए इज आल्सो कॉल्ड जीनोमिक डीएनए भी बोल रहे हैं इनके, जीनोमिक डीएनए. एंड बैक्टीरिया है ये, सपोज ये बैक्टीरिया है, सर्कुलर डीएनए है, जीनोमिक डीएनए है. एंड प्रोकैरियोटिक सेल इन एडिशन टू सर्कुलर डीएनए, दे आल्सो हैव सम रिंग लाइक डीएनए जिनको हम बोलते हैं प्लाज्मिड्स. क्या बोलते हैं? प्लाज्मिड्स. व्हाट आर प्लाज्मिड्स? प्लाज्मिड्स मतलब बैक्टीरिया में एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ बैक्टीरिया. याद रखिए बैक्टीरिया में दो डीएनए मिलते हैं आपको. बैक्टीरिया में एक तो सर्कुलर डीएनए है, दिस इज मेन डीएनए. अपार्ट फ्रॉम दिस मेन डीएनए, बैक्टीरिया आल्सो हैव सम रिंगलेट्स, स्मॉल रिंग्स, जिनको क्या बोल रहे हैं हम? प्लाज्मिड्स बोल रहे हैं. एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए ऑफ बैक्टीरिया बोल रहे हैं इनको. ठीक है. एंड दिस प्लाज्मिड्स क्या है? ये प्लाज्मिड क्या करते हैं? प्लाज्मिड कंट्रोल सर्टन फीनोटाइपिक कैरेक्टर. याद रखना फीनोटाइपिक कैरेक्टर, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस. ऑल डिजीजेस कैनॉट बी ट्रीटेड बाय यूजिंग एंटीबायोटिक्स, आपको मालूम होगा.
कई डिजीजेस है ना एंटीबायोटिक से ट्रीट नहीं होते बिकॉज बैक्टीरिया बिकम एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट. एंड एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस की जीन कहां पर होगी? प्लाज्मिड में होगी. प्लाज्मिड मतलब क्या है? ऐसे बैक्टीरिया में जो छोटे छोटे रिंग्स दिखेंगे आपको, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए ऑफ बैक्टीरिया है, प्लाज्मिड बोल रहे हैं. और प्लाज्मिड का कैरेक्टर बता रहा हूं, प्लाज्मिड कंट्रोल फिनोटाइपिक कैरेक्टर, बैक्टीरिया के फिनोटाइपिक कैरेक्टर. एंड प्लाज्मिड आल्सो कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन, प्लाज्मिड आल्सो कंट्रोल ट्रांसफॉर्मेशन. व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशन? ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डेड बैक्टीरिया टू लाइव बैक्टीरिया. जैसे हमने ग्रीफिथ एक्सपेरिमेंट में पढ़ा था, ट्रांसफर ऑफ डीएनए फ्रॉम डेड बैक्टीरिया टू लाइव बैक्टीरिया इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन. एंड ट्रांसफॉर्मेशन इज बिकॉज ऑफ प्लाज्मिड. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस बैक्टीरिया में और क्या है? बैक्टीरिया का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसमें कुछ फोल्डिंग्स हैं. फोल्डिंग्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया आर कॉल्ड मीसोजोम्स. व्हाट आर मीसोजोम्स? इन फोल्डिंग्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इनफोल्डिंग्स इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया बोल रहे हैं इसको. प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बैक्टीरिया बोलो या प्रोकैरियोट्स भी बोल सकते हैं, बैक्टीरिया भी बोल सकते हैं. बैक्टीरिया से प्रोकैरियोट. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस मीसोजोम? मीसोजोम्स आर द रेस्पिरेटरी साइट्स ऑफ बैक्टीरिया. रेस्पिरेटरी साइट्स ऑफ बैक्टीरिया. आगे आएगा क्या है मीसोजोम के बारे में, बस यहां पे याद रख लीजिए. प्रोकैरियोट के बारे में बता रहा हूं मैं. व्हाट आर द पॉइंट्स ऑफ प्रोकैरियोट? नंबर वन, प्रोकैरियोट्स हैव सर्कुलर डीएनए. प्रोकैरियोट्स के अंदर जो डीएनए होता है उसमें हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है. प्रोकैरियोट्स के अंदर होते हैं मीसोजोम्स. एंड प्रोकैरियोट, वन मोर इंपॉर्टेंट कैरेक्टर इज प्रोकैरियोट्स हैव इंक्लूजन बॉडीज. प्रोकैरियोट के दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हैं. प्रोकैरियोट्स के पास दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं. एक तो होगा प्रोकैरियोट्स हैव नंबर वन मीसोजोम्स, और क्या है बोलते, इंक्लूजन बॉडीज. एंड दी, अभी आप बोलेंगे सर सर्कुलर डीएनए भी होता है ना, वो भी लिखो. मैं आपको यूनिक कैरेक्टर के बारे में बता रहा हूं, ओनली एंड ओनली प्रोकैरियोट्स में ही होना चाहिए. सर्कुलर डीएनए आपको माइटोकॉन्ड्रिया में भी मिल जाता है. I am talking about unique character of prokaryote. Unique character, not present in anywhere, only in prokaryotes. तो मीसोजोम के बारे में तो अभी बता के आया मैं आपको. Inclusion bodies क्या है? Non-membrane bound structures. Which store food material. Food materials. जैसे कि आप बोलेंगे inclusion bodies के example बताइए, तो जैसे कि phosphate granules बोल के होते हैं जिसमें phosphate store होता है. Phosphate granule is one. Glycogen granule is also there. Glycogen granules, phosphate granule, glycogen granule, cyanophysian granule, cyanophysian granules,
These are all inclusion bodies. Even gas vacuoles भी देखिए, gas vacuole. मैं और एक बात समझाता हूं inclusion bodies के बारे में. gas vacuole भी आ रहा है यहां पर inclusion bodies. gas vacuole. इंक्लूजन बॉडीज का मतलब है नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. कोई मेम्ब्रेन नहीं होगा इनमें. नॉन मेम्ब्रेन बाउंड, सपोज दिस इज अ बैक्टीरियल सेल. बैक्टीरियल सेल में कुछ ऐसे नॉन मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स हैं. इसके अंदर फूड मटेरियल है, रिजर्व फूड मटेरियल है, जैसे फॉस्फेट भरा हुआ है, साइनोफाइसियन फूड है, या ग्लाइकोजन है इसके अंदर, या नहीं तो एयर फिल्ड गैस वैक्यूल्स भी हो सकते हैं. एयर फिल्ड गैस वैक्यूल्स. गैस वैक्यूल्स के बारे में अलग से नोट करना. गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया. जो फोटोसिंथेसिस करने वाले बैक्टीरिया हैं, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में, जैसे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, पर्पल सल्फर ग्रीन बैक्टीरिया बोल के होते हैं. दे डू फोटोसिंथेसिस एंड दे हैव गैस वैक्यूल्स. गैस वैक्यूल्स है इनके पास. अब आप बोलेंगे सर गैस वैक्यूल का काम क्या है? गैस वैक्यूल स्टोर गैस. एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस गैस वैक्यूल? वाटर पे फ्लोट करने के लिए, स्विम करने के लिए हेल्प करते हैं गैस वैक्यूल्स. तो ये थे प्रोकैरियोट के दो यूनिक कैरेक्टर. वन इज मीसोसोम, अनदर वन इज इंक्लूजन बॉडीज. नाउ टेल मी वेदर द शेप ऑफ द सेल इज कॉन्स्टेंट और वेरियस शेप्स. वेरियस शेप्स ऑफ सेल याद रखो. बहुत सारे शेप्स के सेल होते हैं. जैसे कि मैं आरबीसी की बात करूं, हमारे जो आरबीसी होते हैं वो बाइकॉन के और राउंड शेप होते हैं. राउंड शेप. ठीक है. फिर जो है डब्ल्यूबीसी का अगर फंक्शन बोलूं मैं, शेप अमोइबॉइड होता है. Not having one particular constant structure, amoeboid, changeable. Columnar epithelium बोल के होता है. Columnar epithelium के जो cells होते हैं, they are long and narrow होते हैं. Nerve cell कैसे रहते हैं? Long branched होते हैं. ब्रांच. ट्रैकिड कैसे होते हैं? एलोंगेटेड होते हैं. ट्रैकिड और एलोंगेटेड. और मीसोफिल कैसा होता है? ओवल. मीसोफिल ओवल एंड राउंड. ओवल राउंड शेप के होते हैं मीसोफिल. तो मतलब क्या है? डिफरेंट सेल हैव डिफरेंट शेप्स. कुछ सेल ऐसे राउंड बाइकॉनकेव शेप दिखेंगे आपको आरबीसी जैसे, और कुछ सेल अमोइबॉइड होते हैं डब्ल्यूबीसी का शेप. कॉलमनार एपिथेलियम मतलब ऐसे लॉन्ग होते हैं, नैरो होते हैं, न्यूक्लियस पूरा बेस में होगा. नर्व सेल कैसे बोल रहा हूं मैं? लॉन्ग ब्रांच. ऐसे नर्व सेल आर द लॉन्ग ब्रांचेस होते हैं उसको. जैसे न्यूरॉन है. ट्रैकिड कैसे दिखता है हमें? ट्रैकिड आर द एलोंगेटेड सेल. ऐसे लॉन्ग सेल्स, ब्रांचेस नहीं होते. और मीसोफिल सेल कैसे होंगे? मीसोफिल सेल ओवल, एग शेप ड्रॉ करना चाहिए. एग शेप, ओवल मतलब एग शेप. और उसके अंदर बहुत सारे डॉट्स लगा दीजिए. क्लोरोप्लास्ट,
मेसोफिल आर प्रेजेंट इन लीफ सेल हेल्पिंग फोटोसिंथेसिस. सो ऑल दीज सेल्स हैव सेम फंक्शन डिफरेंट फंक्शन डिफरेंट फंक्शन. आरबीसी का फंक्शन बताइए, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. डब्ल्यूबीसी डिफेंस, कोलमनार एपिथेलियम अब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. नर्व सेल क्या है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. तो मतलब हर सेल का एक खास काम है. आरबीसी ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. डब्ल्यूबीसी डिफेंस में काम कर रहे हैं, दे प्रोटेक्ट योर बॉडी. कोलमनार एपिथेलियम जो है अब्सॉर्प्शन कर रहे हैं फूड को, अब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन भी कर रहे हैं. अब्सॉर्प्शन एंड सिक्रीशन. नर्व सेल कंडक्शन कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स. कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स वट एवर इंफॉर्मेशन इज इंपल्स. मोहम्मद मतीन फ्रॉम मिलना, मोहम्मद मतीन. ट्रैकीड हेल्पिंग कंडक्शन ऑफ वाटर. वाटर को ट्रांसफर करने के लिए चाहिए ट्रैकीड. प्लांट्स में मेसोफिल जो है फोटोसिंथेसिस करने वाले, मेसोफिल फोटोसिंथेसिस करने वाले. दैट मींस वन थिंग इज वेरी वेरी क्लियर फॉर अस, सेल्स आर वेरियस टाइप्स एंड ईच सेल इज हैविंग वन पर्टिकुलर फंक्शन. हर सेल को एक काम दिया गया है. जो हमारे ब्रेन के सेल है नर्व सेल उनका अलग काम, किडनी के जो सेल है उनका अलग काम. डिफरेंट सेल डिफरेंट वर्क. ओके एंड डिफरेंट शेप्स आल्सो, दे वैरी साइज एंड फंक्शंस. इफ देयर इज अ स्टेटमेंट सेल्स वैरी इन शेप साइज फंक्शन, बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट. सेल्स अलग अलग होते हैं, शेप्स में अलग, साइजेस में अलग, फंक्शन में भी अलग अलग. तो फंक्शंस के बारे में बताया मैं, शेप्स के बारे में बताया, थोड़ा साइजेस के बारे में भी याद रख लो. जितने साइजेस मेंशन किया है आपके एनसीईआरटी में उतने साइजेस तो याद रखना ही पड़ेगा आपको. बहुत सारे टाइप के सेल्स है, कुछ साइजेस हम याद रखेंगे. सबसे पहले हम याद रखेंगे आरबीसी का साइज. आरबीसी का जो है साइज, और एक बार आरबीसी का साइज कितना होगा, 7 माइक्रोमीटर साइज. आरबीसी 7 माइक्रोमीटर है. बैक्टीरिया का अगर साइज पूछेंगे आपको जरा केयरफुल होना पड़ेगा. जनरल आरबीसी 3 to 5 माइक्रोमीटर हो सकता है. टिपिकल बैक्टीरिया 1 to 2 माइक्रोमीटर हो सकता है. मतलब एनसीईआरटी में दो साइजेस दिए हुए हैं बैक्टीरिया के, एक एक्सप्लेनेशन में अलग दिया है, डायग्राम में अलग दिया है, आप कंफ्यूज मत हो. अगर जनरल बैक्टीरिया पूछा है तो 3 to 5 माइक्रोमीटर बोलिए, टिपिकल बैक्टीरिया पूछेंगे तो 1 to 2 माइक्रोमीटर बोलिए. यूकैरियोटिक सेल अगर पूछा है, यूकैरियोटिक सेल जैसे कि प्लांट सेल है या कोई एनिमल सेल है आरबीसी छोड़कर, आरबीसी का साइज 7 माइक्रोमीटर. यूकैरियोटिक सेल का अगर साइज पूछेंगे तो जनरली ये 10 टू 20 माइक्रोमीटर है, 10 टू 20 माइक्रोमीटर है. और माइकोप्लाज्मा का साइज बताया गया है बुक में 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर. और पीपीएलओ का साइज बताया गया है 0.1 माइक्रोमीटर. 0.1 माइक्रोमीटर
तो यहाँ पे कंट्रोवर्सी शुरू होती। माइकोप्लाज्मा को तो मैं सबसे छोटा सेल बोला, स्मॉलेस्ट सेल कौन सा है? माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा स्मॉलेस्ट सेल है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर मैं बोलता हूँ सर, बैक्टीरिया बोले तो बहुत सारे बैक्टीरिया में साल्मोनेला, टाइफीडिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। बैक्टीरिया में माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस भी होते हैं, डिप्थीरिया कॉजिंग बैक्टीरिया भी होते हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया। बैक्टीरिया एक खानदान का नाम है, उसके अंदर बहुत बहुत बैक्टीरिया। सेम ऐसे ही माइकोप्लाज्मा भी एक फैमिली का नाम है, उसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं। PPLO is a mycoplasma. PPLO is a mycoplasma. लिख सकते हैं। Pleuro, what is PPLO full form? Pleuronemonia-like organism. Pleuronemonia-like organism. Okay. Okay. Struck हो गया था। देखिए PPLO के बारे में बता रहा था मैं। It attack pleura. प्लूरा मीन्स लंग्स कवर, लंग्स के कवर को अटैक करता है, इंफेक्शन करता है ये। और एक बार मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, PPLO इज माइकोप्लाज्मा, इज ए माइकोप्लाज्मा, ठीक है? PPLO इज ए माइकोप्लाज्मा, ओके। व्हाट इज माइकोप्लाज्मा? स्मॉलेस्ट सेल, स्मॉलेस्ट सेल। PPLO इज ए माइकोप्लाज्मा। कंफ्यूज क्या करते हैं ना, इवन एनसीईआरटी की लैंग्वेज में भी उतना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है इधर। माइकोप्लाज्मा एंड PPLO बोल के लिखता है, माइकोप्लाज्मा का साइज देता है 0.3 माइक्रोमीटर और बोलता है कि स्मॉलेस्ट सेल, और PPLO का साइज कितना है? 0.1 माइक्रोमीटर। मतलब माइकोप्लाज्मा एक खानदान का नाम है, वो खानदान में जो भी लोग हैं उनका जनरल साइज कितना है? 0.3 माइक्रोमीटर। लेकिन उसमें भी माइकोप्लाज्मा में सबसे छोटा है PPLO, 0.1 माइक्रोमीटर। वायरस कितना होता है? पूरी दुनिया डर गई कोरोना वायरस से, तो वायरस का साइज देखेंगे कितना छोटा है वायरस, जरा बता दो। वायरस का साइज है 0.022। आप बोले कि ये तो माइकोप्लाज्मा से भी छोटा हो गया। हाँ बोलेंगे माइकोप्लाज्मा से भी छोटा हो गया ना ये, लेकिन वायरस क्या होते हैं? सेल नहीं होता। Viruses are acellular. Virus के पास खुद उसका खुद उसका सेल नहीं है। Virus is not having its own cell. ये दूसरे सेल के ऊपर ही डिपेंड रह सकता है। Viruses can live only within the host cell. They attack our respiratory system. They attack our body system, blood, liver, kidney. They live inside the cells. They cannot have. आगे क्या है देखिए, इवन सेल टेक डिफरेंट टाइम्स टू डिवाइड। ह्यूमन सेल टेक सेल डिवीजन टाइम। अगर ह्यूमन सेल की बात करो, एक सेल डिवाइड होके टू सेल बनने के लिए ह्यूमन सेल में 24 आवर्स लग जाते हैं। Human cell take how much division time? 24 minutes. E. coli take, sorry, 24 hours hai. E. coli take 20 minutes, just 20 minutes. Matlab ye hua ke cell division time bhi constant nahi hai. Cell shape alag, cell sizes alag, cell functions alag, cell division time alag. It is not constant. ये एक जनरल स्टेटमेंट है, याद रखना। सेल वॉल इज फाउंड, सेल वॉल फाउंड इन ऑल प्रोकैरियोट्स, ऑल प्रोकैरियोट्स एक्सेप्ट एक प्रोकैरियोट है जिसमें सेल वॉल नहीं होता। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट प्रोकैरियोट? सेल वॉल लेस, सेल वॉल लेस प्रोकैरियोट, माइकोप्लाज्मा। Mycoplasma is not having cell wall.
E-coli bacteria. E-coli is bacteria, okay. बैक्टीरिया में भी कई टाइप्स के बैक्टीरिया हैं, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बैक्टीरियल टाइप्स। अगर मैं बैक्टीरिया के शेप्स के बारे में बोलूं, देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरिया शेप्स, कई बैक्टीरिया कोकास होते हैं, कुछ बैक्टीरिया बेसिलस होते हैं, स्पाइरिलम बैक्टीरिया होते हैं, विब्रियो बोलते होते हैं ना, बैक्टीरिया की कई शेप्स हैं, फिर एक बार यहाँ पे ये चैप्टर में मेंशन कर दिया है। कोकास मतलब राउंड शेप या स्फेरिकल शेप, बोलो राउंड शेप दिख रहा है, ये रॉड शेप दिखेगा, स्पाइरिलम कॉइल शेप दिखेगा, विब्रियो कॉमा शेप दिखेगा बैक्टीरिया, कॉमा शेप, बहुत सारे शेप्स हैं बैक्टीरिया। ओके, देयर आर डिफरेंट शेप, ये इवन हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़े, सो किंगडम मोनेरा में ये सब सीजन पढ़ चुके हैं। नाउ प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं? प्रोकैरियोट्स का मतलब है नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियर एनवेलप, सर्कुलर डीएनए होता है, बहुत सारी कैरेक्टर देखे हम। ये प्रोकैरियोट में सबसे पहले बैक्टीरिया मिलेगा आपको, ब्लू ग्रीन अल्गे मिलेंगे, देखिए ब्लू नहीं ग्रीन अल्गे बोल रहे हैं, और माइकोप्लाज्मा भी मिलेगा यहाँ पर, इवन अर्कियो बैक्टीरिया भी मिलेंगे, अर्कियो बैक्टीरिया, दीज आर द प्रोकैरियोट्स। इवन जो पीपीएलओ है, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का एक टाइप है पीपीएलओ, वो भी यहां पर याद है प्रोकैरियोट्स में, पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा एंड पीपीएलओ माइकोप्लाज्मा का टाइप है वो। इवन जो ब्लू ग्रीन अल्गे होते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड साइनो बैक्टीरिया, साइनो बैक्टीरिया होते हैं, साइनो बैक्टीरिया, और वो आप बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में जाके देखना, यू बैक्टीरिया विद ट्रू बैक्टीरिया, ट्रू बैक्टीरिया मतलब एक तो बैक्टीरिया, एक तो साइनो बैक्टीरिया, द ट्रू बैक्टीरिया लिखे भाई नोट्स में वहां पे। यहां पर हम जस्ट ऐसे याद रखें, आज की क्लास में हम क्या पढ़े देखिए, रामचंद्रन के बारे में, मैथियस शील्डी के बारे में, थियोडर स्वान के बारे में, रुडोल्फ वर्चू के बारे में, एंटन वन लीवनहॉक, रॉबर्ट हुक के बारे में, फिर ओवरव्यू लिए हम एक प्रोकैरियोटिक सेल का। प्रोकैरियोटिक सेल में टू इंपॉर्टेंट यूनिक कैरेक्टर्स होते हैं, वन तो मीसोसोम है, दूसरा है इंक्लूजन बॉडीज। इंक्लूजन बॉडीज का फंक्शन है टू डिसॉल्व द फूड मटेरियल, मे बी फॉस्फेट ग्रैन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल। मेनी स्टूडेंट दे आस्क मी व्हाट इज दिस सर, फॉस्फेट ग्रैन्यूल, साइनोफाइसियन ग्रैन्यूल क्या है? दीज आर ऑल रिजर्व फूड मटेरियल ऑफ फूड प्रोकैरियोट्स, प्रोकैरियोट्स के रिजर्व फूड मटेरियल्स है, ठीक है। साइनो और ये इंक्लूजन बॉडीज में गैस वैक्यूल भी इंक्लूडेड, फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में मिलेगा गैस वैक्यूल। ओके, तो ये सारे चीजें बेसिक चीजें हम पढ़ के आइए, टुमारो विल कंटिन्यू रिमेनिंग। थैंक यू।